फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दर्शकों से को मिलवाते हैं हमारे अतिथि से और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। बिल्कुल, हमने जैसा आपको बताया कि आज हमारे साथ विजय प्रकाश जी मौजूद हैं और वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस अपनी कविताओं के जरिए बताएंगे, तो आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। विजय जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका लगभग 33 सालों का एक्सपीरियंस है ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में, आपने उन सबको अपने जो एक्सपीरियंसेस है, आपने जो समाज को देखा, जो चीज़ें देखी, वो आपने अपने हॉबी जो आपको कविताएं लिखने का शौक़ है उसके ज़रिए आपने बताने की कोशिश की है। आप सबसे पहले जैसे एडुकेशन पे काफ़ी स्ट्रेस देते हैं, शिक्षा से जुड़ी बातें करते हैं, तो आप इस पर भी एक कविता लिख चुके हैं, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएँ। कि कभी कभी लोगों को ये आश्चर्य होता है कि प्रशासनिक सेवा में रहकर आप कविताएं क्यों लिखते हैं। जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा, प्रशासनिक सेवा में रहकर हम लोगों ने यह अनुभव किया कि अगर हमें समाज में कोई बदलाव लाना है तो ये सिर्फ कानून से या फाइलों से नहीं हो सकता है, इसमें सामाजिक मनोविज्ञान को बदलने की ज़रूरत होती है। हमने एक एक्ट बनाया, जैसे अभी शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया, लेकिन क्या शिक्षा अधिकार अधिनियम यथेष्ट है? उसके लिए हमको समाज को बदलना होगा, समाज को तैयार करना होगा इस अधिनियम का लाभ उठा सके। उसी प्रसंग में मैंने अनुभव किया कि अवंचितों की शिक्षा की हम बात करते हैं, पर क्या अवंचितों को शिक्षा के लिए हमने तैयार किया है? आखिर वो कौन सी मानसिक गांठें हैं जो ऐतिहासिक तौर पर लोगों के मस्तिष्क में बैठ गई हैं? और उसी संदर्भ में मैंने जब कहानियाँ पढ़ी तो एकलव्य की कहानी आई, जिन्हें शायद पढ़ने नहीं दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनके गुरु ने, द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा कटवा दिया था। और इसका कितना असर पड़ता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी छत्तीसगढ़ इलाके में जो भील जातियाँ हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में, वहाँ लोग अंगूठा से तीर नहीं चलाते हैं, अंगूठा रख करके जो ये उंगली है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच से तीर चलाते हैं। उसका इतना अधिक असर पड़ता है समाज पर। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग क्यों नहीं समाज के मनोविज्ञान को बदलें, और उसमें कविता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी, जी। और इसी संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी, एक लव अब पढ़ जाए, मैं आपको कविता सुनाना चाहूँगा। सजनों ने किया एक नया चमत्कार, सजनों ने किया एक नया चमत्कार, चारों तरफ होने लगी उनकी जय जयकार, अंग प्रत्यारोपण का हुआ इजाद, अभी जो ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है जी। तो अंग प्रत्यारोपण का हुआ इजाद, खोए सपने की आई याद, अंग प्रत्यारोपण का हुआ इजाद, खोए सपने की आई याद, उठने लगी बस एक मांग, एक लव्य का अंगूठा जोड़ो, अंगूठा जोड़ो, अंगूठा जोड़ो, उठने लगी बस एक मांग, एक लव्य का अंगूठा जोड़ो, अंगूठा जोड़ो, अंगूठा जोड़ो। अब इसका समाज पर क्या असर हुआ देखिए, कई कान खड़े हो गए, कई कान खड़े हो गए, कई भौहें तनी, कई होंठ फड़फड़ाए, दौड़े चित्रकार, कलाकार, पत्रकार, आगे समाजसेवी, नेता, शिक्षक, प्रशासक, स्वर्ग में भी मचा हाहाकार, ठप्प हो गया सब व्यापार। अर्जुन द्रोण योग से भागे, कोई पीछे कोई आगे, एक ही चिंता सबको सताए, क्या होगा अब कौन बताए। होने लगी कानाफूसी, बैठने लगी गोष्ठियां, होने लगी कानाफूसी, बैठने लगी गोष्ठियां, सभी चिंतित, सभी परेशान, सोया शेर जग जाएगा अब तो वह पढ़ जाएगा, सोया शेर जग जाएगा अब तो वह पढ़ जाएगा, अंगूठा काट रह गया जो दानव, वह मानव अब बन जाएगा, अंगूठा काट रह गया जो दानव, वह मानव अब बन जाएगा, लोग सावधान हो गए, लोग सावधान हो गए, तर्क वितर्क प्रारंभ हो गया, प्रत्यारोपण श्रम साध्य है व्यय साध्य है, प्रत्यारोपण श्रम साध्य है व्यय साध्य है, प्रत्यारोपण रोको, प्रत्यारोपण रोको, प्रत्यारोपण श्रम साध्य है व्यय साध्य है, प्रत्यारोपण रोको, प्रत्यारोपण रोको, बदले में स्कॉलरशिप दे दो, पेंशन दे दो और नहीं आरक्षण दे दो, बदले में स्कॉलरशिप दे दो, पेंशन दे दो और नहीं आरक्षण दे दो, प्रत्यारोपण रोको,
प्रत्यारोपण रोको। अंगूठा जब जुड़ जाएगा नया धनुर्धर बन जाएगा, अंगूठा जब जुड़ जाएगा नया धनुर्धर बन जाएगा, सभी समीकरण उजड़ जाएगा, बना बनाया बिगड़ जाएगा। सभी समीकरण उजड़ जाएगा, बना बनाया बिगड़ जाएगा। एकलव्य अब जाग गया है, एकलव्य अब जाग गया है, अपनी क्षमता पहचान गया है। अंगूठा तो मानव का बोधक, अंगूठा तो मानव का बोधक, उसके महत्व को जान गया है। अंगूठा कटा रहा वह पशु तो सबकी मनसा भांप गया है, अंगूठा दान के रहस्य को बखूबी पहचान गया है। अंगूठा दान के रहस्य को बखूबी पहचान गया है, अंगूठा जोड़वाकर अब तो सभी कार्य वह कर पाएगा। दबी हुई सभी अभिलाषाएं अब तो वह साकार करेगा, दबी हुई सभी अभिलाषाएं वह तो अब साकार करेगा, सभी बाधाओं का वह पूरी तरह प्रतिकार करेगा। फुसलाने के सभी प्रयास को अब तो वह बेकार करेगा, फुसलाने के सभी प्रयास को अब तो वह बेकार करेगा। चाहे पुस्तक हो या धनुषा, चाहे पुस्तक हो या धनुषा, सब पर वह अधिकार करेगा। अंगूठा अब तो जुड़ जाएगा, एकलव्य अब पढ़ जाएगा, एकलव्य अब पढ़ जाएगा, एकलव्य अब पढ़ जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें आपने बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र किया है जो शायद हम देखते हैं लेकिन हम इसे कह नहीं पाते, बता नहीं पाते। और भी समाज के जो हिस्से हैं वो उसमें क्या भूमिका निभाते हैं या उनके कैसे रिएक्शन आते हैं वो आपने बताया है। कुछ और भी आप इस कविता के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, इस कविता क्या में, सोच के आपने इसके बारे में लिखा? वंचितों के साथ हुआ क्या है कि एक उनके जो जो उनकी क्षमताएं हैं, उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उसको समाज ने स्वीकार नहीं किया और इसीलिए वो पढ़ नहीं पाए। और जैसे अगर देखें तो ज्ञान सभी तरफ से आता है। वंचितों का भी ज्ञान का स्रोत अलग है लेकिन उन उस ज्ञान के स्रोत को हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए द्रोणाचार्य ने शायद एकलव्य के इस ज्ञान को, जो कि उनके द्वारा सिखाया गया नहीं था, उसको उन्होंने स्वीकार